फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मसाला डोसा की सब्ज़ी। तो स्टफिंग जो बनती है आलू की सब्ज़ी वो, तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है 1 टेबल स्पून, 1-2 ड्राई रेड चिली और ग्रीन रेड चिली, करी लीव्स लिए हैं, क्यूमिन, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे। ऑनियन 1 चॉप किया हुआ, इसको भी अच्छे से ब्राउन होने तक आपको कुक कर लेना है। फिर हम डालेंगे इसमें दाल, जो तूर दाल है, इसको भी अच्छे से भुनेंगे, क्रिस्पी क्रिस्पी मस्त इसको कराएंगे। फिर हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट ताकि ऑनियन जल्दी से ब्राउन हो जाए। फिर हम डालेंगे इसमें ग्रीन पीस, ये फ्रोजन ग्रीन पीस है, मैंने बॉईल आलू यूज़ किए हैं, तो बॉईल किए हुए आलू मैंने ऑलरेडी रेडी कर दिए हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, भूनेंगे दाल को और ग्रीन पीस को। फिर हम डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक की पेस्ट, इसको भी अच्छे से भूनना ज़रूरी है। करी लीव्स से तो बहुत फ्लेवर आता है और जिंजर गार्लिक की पेस्ट से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जो क्रंचीनेस मिलता है वो ये दाल और कैश्यू से मिलता है, तो मैं कैश्यू भी डालूंगी इसमें। कैश्यू को भी अच्छे से ब्राउन कर लेंगे, ये रोस्टेड ही काजू है तो ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं जिंजर गार्लिक भी अच्छे से कुक हो गया है, कैश्यू भी अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, जो दाल डाली थी वो भी अच्छे से कुक हो गई है। तो यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर डाली है, इसको मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट डाला है 1 टेबल स्पून, अब ये पोटैटो के हिसाब से मैंने सॉल्ट डाला है। फिर हम डालेंगे इसमें बॉईल किए आलू, मैंने 4 बॉईल किए आलू लिए थे, 2 सिटी में कुक हो जाएंगे या इंस्टेंट पॉट में 10 मिनट में ये बॉईल हो जाएंगे। फिर हम डालेंगे इसमें कोरिएंडर लीव्स फ्रेशली चॉप, उसे दिखने में भी बहुत टेस्टी लगता है, खाने में भी टेस्टी लगता है और दिखने में भी यम यम लगता है। तब ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ये हो गया डोसा स्टफिंग, डोसे की स्टफिंग रेडी हो गई। आप देख सकते हैं कितनी यम्मी लग रही है, यम्मी यम्मी टमी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सांभर, जो हम डोसा वड़ा और इडली के साथ खाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है 1 टेबल स्पून, ऑयल को अच्छे से हीट होने देंगे। फिर हम डालेंगे इसमें करी लीव्स भी अच्छे से रोस्ट हो गए। फिर हम डालेंगे इसमें क्यूमिन को भी अच्छे से ब्राउन होने तक आपको पकाना है। फिर हम डालेंगे चॉप किया हुआ ऑनियन को अच्छे से भुनने के लिए हम सॉल्ट डालेंगे। यहाँ पे दालें ली है, तूर दाल, मूंग दाल और मसूर की दाल, और उसमें पीनट्स और टमाटो के साथ मैंने बॉईल किया है। दालें 1 कप लिया है, तो 2 कप वाटर डाल के मैंने अच्छे से इसको बॉईल कर लिया है। ऑयल को अच्छे से भुनने के लिए आपको 1 टेबल स्पून सॉल्ट डालेंगे, तो ऑनियन अच्छे से भुन जाएगा। इसको अच्छे से कुक कर लेना है, ब्राउन कर लेना है ऑनियन को। ये सांभर पाउडर मैं यूज़ करने वाली हूँ उसमें डालने के लिए। ऑनियन को अच्छे से भुनना ज़रूरी है। फिर हम डालेंगे इसमें, आप देख सकते हैं ऑनियन अच्छे से भुन गए हैं। फिर हम डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक की पेस्ट। फिर हम डालेंगे सांभर मसाला 2 टेबल स्पून, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस स्लो करेंगे क्योंकि पाउडर मसाले जल ना जाए। फिर हम डालेंगे इसमें टर्मरिक पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पाउडर मसाला जल ना जाए इसलिए थोड़ा सा पानी डालेंगे 1/2 कप, जो डाले थी उसका ही मैंने वाटर डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम डालेंगे इसमें जैगरी पाउडर 1 टेबल स्पून, ताकि टमाटो डाला है इसलिए बैलेंस करने के लिए खट्टा मीठा, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से भुनेंगे हम, कोरिएंडर लीव्स डालेंगे,
फिर हम डालेंगे इसमें बॉईल की हुई दाल, मसूर, मूंग और तूर की दाल, और इसको वाटर डाल के अच्छे से बॉईल होने तक आपको पकाना है, और कोरिएंडर लीव्स से हम गार्निश करेंगे। और ये हम डोसा, इडली, सांभर के साथ खा सकते हैं। ये सांभर बहुत हेल्दी भी है, आप लंच के लिए, टिफ़िन बॉक्स के लिए भी दे सकते हैं, और ब्रेकफास्ट के लिए भी खा सकते हैं, लंच डिनर के भी लिए खा सकते हैं। और डोसा, वड़ा और इडली के साथ ये बहुत अच्छा लगता है, और उसके ही साथ वाइट राइस, ब्राउन राइस के साथ भी आप खा सकते हैं। आप ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और ये बहुत यम्मी हेल्दी रेसिपी है, आप सूप की तरह भी पी सकते हैं इसको। ये मल्टीपर्पज़ वन पॉट मील है, आप इसमें वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। और ये मैंने सांभर की दाल, दाल सांभर बना रहा है, और बहुत इजी है, क्विक है और बहुत टेस्टी भी है। तो कोरिएंडर लीव्स डाल के मैंने इसको अच्छे से बॉईल होने तक पकाया है, और सॉल्ट डालेंगे 2 टेबल स्पून, और ये हमारा सांभर रेडी हो गया है। आप ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।